हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हमारे सभी नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अगर आप राजस्थान से, आपको पता है यहाँ पर स्कीम चल रहा है कि जिसमें राजस्थान सरकार की साइड से महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत। तो उसमें अगर आप जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको जाना है, क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी तभी आपको मोबाइल मिल पाएगा, तो उस चीज़ के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं योजना का नाम, जो कि है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जो राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं को मोबाइल फ्री में दिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो आपको लेकर जाने हैं तभी आपको मोबाइल मिल पाएगा, नहीं तो आपको वहाँ से खाली हाथ आना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रोसेस की। तो उसमें आपके पास कैंप की साइड से एक मैसेज आएगा जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ होगा। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। जैसे कि यहां पर एक लेडीज हैं, इनको एक मैसेज आया था कि उनका जो प्रथम चरण है, इनकी पहली लिस्ट है, उसमें उनका हार्दिक स्वागत है और राजस्थान सरकार के द्वारा एड्रेस दिया हुआ है। इस योजना का कैंप जहाँ पर आयोजित हो रहा है इसमें डेट दिया हुआ है कि किस डेट को आपको जाना है और कितने बजे आपको जाना है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट और मोबाइल के लिए कॉलिंग जो सुविधा है बिल्कुल वो फ्री में दी जाएंगी मोबाइल के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले पहला स्टेप हो गया, आपके पास एक SMS आएगा। SMS आने के बाद आपको वहाँ पर जाना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। आपके पास SMS तो आ गया है, अब आपको वहाँ पर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूर लेकर जाने हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपका जनाधार कार्ड होगा, उसको आपको लेकर जाना है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं आधार कार्ड की, जो आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है। तीसरा है आपको अपने पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो हैं वो आपको लेकर जाने हैं। और चौथा है जो आपका पैन कार्ड। ये 4 चीज़ आपको बिल्कुल लेके जानी है तभी आपको वहाँ पर मोबाइल दिया जाएगा। इनके बिना, इसमें से आप किसी भी चीज़ को मिस कर देते हैं तो आपको वापस से आना पड़ेगा, घर पे आना पड़ेगा। हो सकता है दोबारा आप जाएं तो उसमें आपका टाइम चेंज हो जाए, लाइन में लगना पड़े, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको यहाँ तक। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास मैसेज आया हो या नहीं आया हो, वो चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है। ये आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका जनाधार कार्ड है उसमें आपका जो आधार कार्ड है और आपका एक सही मोबाइल नंबर, वो दोनों जनाधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर दोनों आपके जनाधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, तभी जाके उस पर एक मैसेज आएगा जो कैंप की साइड से आएगा, तभी जाके आपको वो मोबाइल दिया जाएगा। वहाँ पर आप कैंप में जाओगे, वहाँ पर कुछ OTP वगैरह जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो उसी मोबाइल नंबर पर आएंगी। आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, KYC होंगी सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जनाधार कार्ड में आपके आधार कार्ड का नंबर और एक सही मोबाइल नंबर, दोनों आपके जनाधार कार्ड में लिंक होने चाहिए, तभी जाके आपको वो मोबाइल मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको भी मैसेज आ चुका है, आपको वहाँ पे जाना है, आपको डेट आ गई है कि आपकी किस डेट को आपको कितने बजे जाना है, तो आपको ये चीज़ें तैयार रख लेनी है अपनी, तभी आपको पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाना है, तभी आप वहाँ से अपना जो स्मार्टफोन है वो निःशुल्क में लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले एक न्यू वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।